क्या हाल चाल भाई? होप सब अच्छे होंगे यार। भाई बड़े दिनों से बुलेट हमारी वैसी खड़ी हुई है, वो तूफान के इसकी सीट वगैरह टूट गई थी। मैंने दिखाया था आपको ब्लॉग में पूरी भाई, ऊपर पेड़ गिर गया था इसके। क्या दिखाता हूँ, इस सीट के ऊपर गिर गया था पेड़, पूरी टूटी हुई है। मैं इस तरह से दिखाता हूँ आपको। तो आज सोचा इसका भाई खड़ी हुई है काफ़ी दिनों से नीचे खड़ी पार्किंग में, मिट्टी धूल मिट्टी खा रही है, आज इसका काम कराते हैं भाई। क्यों जी? बिल्कुल भाई, काफ़ी दिन हो गए यार खड़ी हुई है। क्या हाल हो रही है भाई? इसकी धुलाई वलाई भी कराते हैं और थोड़ा जो भी होने वाला है इसका काम, ये सीट वगैरह लेके जा रहे हैं, सीट डलवाएंगे। बाकी धीरे धीरे इसको अब चलाना शुरू करते हैं, खड़ी रहती है काफ़ी ज़्यादा। स्टार्ट, काफ़ी टाइम से खड़ी है तो थोड़ी दिक्कत तो देगी। जल्दी होगी ये तो। चल गया भाई ठीक कराने के लिए दुकान पे। पिछली बार करोड़बाग से सीट डलवाई थी खजांची से, और इस बार यहाँ लोकल से ही सोच रहे हैं यहीं से डलवा लें। यार इतनी दूर क्या जाना, बहुत ट्रैफिक होगा यहाँ पर। यहाँ भाई साहब से डलवा रहे हैं सीट, आज इनकी सीट भी देखते हैं कैसी होती है। हाँ बलजीत, ये सीट है ये सीट डलवानी है और भाई साहब डालेंगे सीट। क्या हाल है भाई साहब? भाई साहब रजिस्टर्ड है, देखो इनका सर्टिफिकेट कहाँ पर है जी? अच्छा सर्टिफाइड निशाद अहमद, ठीक है जी। कौन सी सीट लगेगी, ये वाली? ये वाली। अच्छा अच्छा, जो पहले लग रही है पहले वो भी देख लो एक बारी। ये सीट जो पहले लगी हुई थी ना काफ़ी कंफर्टेबल है, तो मैंने बोला भाई साहब को कि पहले एक बार चेक कर लो यार ये सेम ही है ऐसी कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी थी है ना भली। पहली पिछली सीटों एक दो डलवाई जो उनसे अच्छी है, करोलबाग से डलवाई दिया है खजांची से। अच्छा करोलबाग में, हाँ खजांची का नाम है भाई। जॉन अब्राहम तक की जो बाइक की सीट कवर्स है ना, जो सीट है उनके हिसाब से खजांची बना के देता है। अच्छा बल्कि और भी हैं बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स बुलेट बर्दाश्त करगी। सही कह रहे हैं यार निशाद भाई, सही कह रहे हैं, बुलेट थी जो बर्दाश्त करगी, इसकी जगह कोई भी बाइक या स्कूटी या गाड़ी होती खत्म हो जाती। साइड स्टैंड बिल्कुल यूं हो गया था, बिल्कुल फ्लैट हो गई थी बाइक। अंदर तक देखो, बहुत बड़ा पेड़ था भाई जो गिरा था। भाई साहब बता रहे हैं कि ये काफी टाइम इन्होंने लद्दाख वगैरह को गुजारा है ना? 2000 से ये 2000 यानी कोरोना हुआ उसके बाद ही ले लिया, तो मैं लद्दाख ही रहता। अच्छा पहले लद्दाख भी, जित हम आम बुलेटों का काम ज्यादा है ना भली, चार पाँच महीने का सीजन होते हैं ना, ये पूरी राइड करवाते हैं इनका ग्रुप। अच्छा अच्छा, पूरा व्यवसाय है इनका ना, ठीक है ठीक है। ये इंडियन ग्रुप करवाते हैं, ये कंपनी ओखला की कंपनी है। हाँ ज़्यादा मैं करता था विंटेज राइड कंपनी, जो फ्रांस की कंपनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, उस कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ। वाह भाई वाह, अच्छे मिल गए फिर तो हमें घर के पास भाई। मैं सोच रहा करोलबाग जाना पड़ेगा, बट नहीं नहीं नहीं, तो और बढ़िया मिल गया निशाद भाई, मिल गए अब तो भाई। बुलेट की सीट तो डलवा ली है यार, लेकिन अब बारी है धुलाई की, थोड़ी इसकी वॉशिंग हो जाएगी तो भाई इसकी शक्ल सूरत अच्छी हो जाएगी। पुरानी बुलेटों का ना ये बड़ा सियापा है, इन्हें धुलवाने ले आओ, बट ये जो पॉइंट है ना, अगर ये अच्छे से ना ढका हुआ हो तो भाई फिर कीके ही मारते रह जाओगे, स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए हम इसे अच्छे से कवर कर रहे हैं ताकि पानी जाए ही ना अंदर। भाई साहब अच्छी तरह धो देना, बड़े दिनों बाद दिलवा रहे हैं, अच्छी तरह भाई नीचे कपड़ा मार दिया यार। भाई विंटेज बाइक है, 99 मॉडल है, सारे पूछ रहे हैं कौन सा मॉडल है भाई। वो जो गाड़ी वाले हैं वो तो एक तो आ भी गया था खरीदने के लिए, 2 लाख रुपए रेट लगा के गया था। मैंने भाई हमने बेचनी है, हमारी पुरानी यादें हैं, 99 स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड मॉडल है, हो गई है थैंक गॉड, नहीं तो नहाने धोने के बाद ये स्टार्ट नहीं होती जल्दी। 10 मिनट तो फिर भी लगे हैं इसे। चल भाई बहुत है, लेकिन विंटेज बुलेट चलाने का मजा ही अलग है।
भाई वहाँ पे जितने भी आए हुए थे ना दिलवाने, सारे पूछ रहे थे कौन सा मॉडल है, कैसा है, कहाँ से। हाँ बहुत लोगों ने पूछा, जितने भी गाड़ी दिलवाने आए हुए थे या बाइक वाले थे जितने धो रहे थे वॉशिंग पॉइंट वाले, वो भी पूछ रहे थे कितना मॉडल है भाई, कौन सा मॉडल है, ओरिजिनल है कि नहीं ओरिजिनल, क्या बोले विंटेज बाइक है तो ये मजा है ना भाई। आज काफ़ी टाइम इस पर लगा दिया, अब धुला के इसको खड़ी कर दिया और भाई अब पार्किंग में से ढक ढुक के कम से कम ढकूंगा तो जरूर, कवर तो जरूर दूंगा इसके ऊपर। क्यों मजीद बाहर तो यार इतनी गर्मी है भाई, जब गया था तो अच्छे भले बाल थे, अब आया हूँ तो क्या हाल हो गया, तो पसीने से टी शर्ट भी भीगी हुई है भाई, बहुत गर्मी है यार। सबसे पहले तो नहाऊंगा यार भाई, नहा दो गए फ्रेश हो गए बिल्कुल, बड़ा पसीना आ रहा था बोली बड़ी गर्मी, ह्यूमिडिटी बहुत थी यार, मतलब बारिश कम हुई है ना उसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा कर दी है उसने। जी तब कह रहा था यार त्रियुन का व्यू इसको याद आ रहा होगा, मन में आ रहा होगा, तो कह रहा मेरा यार एक बार देख लेते हैं क्योंकि चंचल आगे आगे भाग रहा था भाई, चंचल आगे आगे भाग रहा, बलजीत पत्थर मार रहा था उसको, रुक जा रुक जा रुक जा, ट्रैकिंग का अपने मजा था। वापस बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, देखते हैं क्या करते हैं उसमें।